नाम के एक गांव में श्याम रहता था। बचपन से ही अनाथ और गरीब होने के कारण वो बेचारा 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाया। जब भी बचपन में श्याम स्कूल जाने की कोशिश करता, उसे पैसों और किताबों के न होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता। पढ़ने की इच्छा हमेशा से ही थी और कुछ न कुछ सीखने की उसे हमेशा इच्छा रहती, इसलिए छुटपने में हमेशा ही किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखता ही रहता। वक्त बदल गया था और श्याम थोड़े थोड़े काम कहीं ना कहीं कर लिया करता था, कभी किसी लाइब्रेरी में तो कभी किसी अखबार की दुकानों में। क्यों श्याम भैया, किस तरफ चल दिए? चलो हमारे साथ, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आ जाओ मजे करेंगे। अरे नहीं भाई, मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया है, वहीं जा रहा हूँ। पढ़ने लिखने से किसी का कुछ भला हुआ है भला? ये बात तो भगवान जाने, मुझे तो मजा आता है इसलिए मैं जा रहा हूँ। श्याम हमेशा की तरह अखबार पढ़ने हर सुबह घर से निकल जाता। दिन के 3 घंटे वो अखबार पढ़ने में ही लगा देता। पूरे सीतमपुर में सबसे ज्यादा ज्ञान श्याम को ही था, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या शेयर मार्केट से या फिर देश विदेश की खबरें। उनके सामने ग्रेजुएट लड़के भी फेल थे। एक बार अखबार में खबर छपी थी शेयर मार्केट और व्यापार के अन्य चीजों की। उसने आओ देखा ना ताओ और पूरी शेयर मार्केट की रिसर्च कर ली। क्या बात है, आजकल कहां मगन घूम रहे हो, पूरे शहर में चर्चा हो रही है तुम्हारी कि सबसे होशियार तुम ही हो। अरे दिनेश भैया, आप कैसे हैं? मैं कितने दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। आप तो सरकारी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं ना? हाँ ये तो है, दे तो रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम होगा कब, कुछ घोषणा हुई ही नहीं है। हो गई है भैया, अगले महीने सरकारी बैंकों का एग्जाम होने वाला है, कल के ही अखबार में आया था, मैंने कल ही इस बारे में पढ़ा था। मैं भी इस बारे में पता करता हूँ और अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ। श्याम दिनेश को देखकर समझ जाता है कि अगर नौकरी की तलाश में रहा तो उसे ताउम्र ऐसे ही मेहनत करनी होगी, जिसका परिणाम हित में हो भी सकता है और नहीं भी। एक दिन सुबह अखबार पढ़ते समय उसने देखा कि एक चाय पत्ती की कंपनी डूबने वाली है। जिस किसी को भी व्यापार का ज्ञान हो वो उनसे जुड़कर कंपनी को ठीक कर दें और आधा मुनाफा ले लें। अखबार पढ़कर कई लोग उस चाय पत्ती की कंपनी में जाते हैं। श्याम के कम पढ़े लिखे और बेकार कपड़ों को देखकर वहीं लाइन में खड़ा एक आदमी कहता है, यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ही काम है, बेकार में उनका समय बर्बाद ना करें, यहाँ से चले जाएं। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? अच्छा मेरे कपड़े देखकर, कपड़े और हुलिये से अगर कुछ होता तो तुम्हें कैसे अंदर आने दिया? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। चुपचाप खड़े रहो लाइन में और अपना काम करो। धीरे धीरे शाम हो जाती है और कई लोग इंटरव्यू में फेल हो चुके होते हैं, सिर्फ 2 बचते हैं और अंत में श्याम अंदर इंटरव्यू देने जाता है। आओ अंदर आओ, अपना बायोडेटा लाए हो ना? जी हाँ ये लीजिए। लेकिन इसमें तो कोई खास जानकारी नहीं है, बस नाम और पता है। मैं अपने बारे में खुद बताना चाहता हूँ। और श्याम अपने बारे में उन्हें सच्चाई बताता है कि कैसे पूरे सीतमपुर में उसके जैसा कोई नहीं है। उसे सारी जानकारी अखबार पढ़ने की वजह से होती है। अगर तुम्हें इतनी जानकारी है तो बताओ हमारी कंपनी कैसे बचेगी और हमें ऐसा क्या करना होगा। श्याम उन्हें उनकी कंपनी के कुछ कायदे और नियम बदलने की सलाह देता है, साथ ही उन्हें नए कर्मचारियों जिनके पास नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स हो उन्हें कंपनी में लेने की सिफारिश करता है। हमें सबसे पहले इसका विज्ञापन करना होगा अखबारों द्वारा। हर गांव कस्बे में टीवी ना होने के कारण हमारे बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन अखबार ऐसी चीज है जो सब पढ़ते हैं। गांव कस्बे का हर इंसान इसे पढ़ता है, उनके दिन की शुरुआत ही अखबार से होती है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत छोटी सी बात है? इसे तो हम कर ही देंगे।
और आसाम से चाय की पत्ती मंगवानी होगी, ना कि नेपाल से। अगर हम अपने देश से खरीदेंगे तो कई सारे टैक्स और पैसे बचा लेंगे। इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो तुमने अकेले ही कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी कंपनी का हिस्सा बनो और अच्छे पोस्ट पर ज्वाइन करो। तुम कल से ही हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। शाम की मेहनत रंग लाई। जो चाय पत्ती की कंपनी डूबने वाली थी वो अब संभल चुकी थी, बस श्याम के दिमाग की वजह से। श्याम ने कंपनी को जीरो से हीरो बना दिया। श्याम की कड़ी मेहनत और लगन से चाय पत्ती की कंपनी, जो अपना अस्तित्व खोने के कगार पर थी, वो दिन ब दिन बहुत बड़ी होती गई। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और पूरे देश में श्याम की चाय पत्ती की कंपनी नंबर 1 बन जाती है। कंपनी की मालकिन श्याम को कंपनी का CEO घोषित कर देती है और एक भरी सभा में श्याम को सम्मानित करने का फैसला करती है। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि एक शख्स से मिलवा सकूं, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, मिस्टर श्याम। आज इनकी ही बदौलत हमारी चाय पत्ती की कंपनी इतनी बुलंदियों पर है। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मिस्टर श्याम, क्या मैं आपसे आपकी कम उम्र में ही इतनी सफलता का राज पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, मेरे हाथों में सोने का अखबार लग गया था, इसलिए मैं इतना कामयाब हूँ। सोने का अखबार, ये क्या है? हर दिन अगर तुम सारे अखबार पढ़ोगे जिसमें सारी जानकारी है देश दुनिया की, हर एक चीज, छोटी सी सुई से लेकर एयरप्लेन तक, तो तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा वो किसी सोने या हीरे जवाहरात से कम नहीं है। असली ज्ञान वही है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोने का अखबार आप भी पढ़ें, यानी हमेशा अखबार पढ़ें और अपने लक्ष्य का पीछा ना छोड़ें। श्याम की बातें सुनकर सभी तालियां बजाने लगते हैं और खड़े होकर श्याम का सत्कार करते हैं। श्याम अपने परिश्रम से बहुत बड़ा आदमी और बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन जाता है। श्याम को देखकर नई पीढ़ी के बच्चे उससे शिक्षा लेते हैं और श्याम की बड़ी इज्जत और सत्कार करते हैं। नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो।